तीव्र गति से अत्याधुनिक हो रही भारतीय रेल के वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन अमृतकाल में एक नई मिसाल बन रहे हैं। इसी दिशा में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर रेलवे स्टेशन का भी कायाकल्प होने जा रहा है। गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए स्वीकार किए गए प्रस्तावित डिजाइन में ये देखा जा सकता है कि ये स्टेशन अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होने वाला है। लगभग 693 करोड़ रुपए की लागत से स्टेशन का पुनर्विकास किया जाएगा। स्टेशन का निर्माण 17,900 वर्ग मीटर में एवं द्वितीय प्रवेश द्वार का निर्माण 7,400 वर्ग मीटर में किया जाएगा। प्रस्तावित डिजाइन में स्थानीय सांस्कृतिक विरासत एवं वास्तुकला को भी समाहित किया गया है। स्टेशन के 10,800 वर्ग मीटर में रूफ प्लाजा होगा, जहां फूड आउटलेट, वेटिंग हॉल, एटीएम एवं किड्स जोन का प्रावधान किया गया है। रूफ प्लाजा से प्लेटफॉर्म तथा प्रवेश एवं निकास द्वार को 44 लिफ्ट और 21 एस्केलेटर के माध्यम से कनेक्ट किया जाएगा। स्टेशन के 6,300 वर्ग मीटर में शानदार कॉनकोर्स होगा, जिसमें 3,500 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था होगी। पुनर्विकसित स्टेशन में 2 मल्टीपर्पस कमर्शियल टावर बनाए जाएंगे, जिसमें मल्टी लेवल कार पार्किंग, होटल, कमर्शियल शॉप इत्यादि का प्रावधान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त स्टेशन को प्रस्तावित मेट्रो स्टेशन एवं बस स्टेशन से स्काई वॉकवे से लिंक किया जाएगा। प्रस्तावित मॉडल के अनुरूप कार्य के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR तैयार कर ली गई है। अब कार्य शुरू करने हेतु टेंडर जारी किया जाएगा। निश्चित तौर पर ये स्टेशन जब पुनर्विकसित होगा तो यहाँ विकास और विरासत का एक अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ आने वाले पर्यटक और श्रद्धालुओं को एक वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन मिलेगा, जो उनकी यात्रा को और भी ज्यादा सुगम बनाएगा।